व्हाइट हेड्स हो रहे हैं या फिर ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, ओ माय गॉड। तो ये वीडियो है आपके लिए, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक होम रेमेडी व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स के ऊपर। व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो ऑयली स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा होते हैं, और अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स का, तो ये पिंपल की शेप ले लेता है जिसे हम एक्ने भी कहते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर लें। तो आपको एक खाली बाउल ले लेना है और उसमें एक हनी ले लेना है। तो हनी का मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। हनी आपकी स्किन को डर्ट को बाहर निकाल कर और पोर्स को ओपन और क्लीन करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, और ये मॉइस्चराइजर का भी काम बहुत अच्छे से करता है। अब मैं 1/2 टीस्पून से भी कम लूँगी चीनी का। तो ये इस तरह से मैं चीनी डाल दूँगी। ये चीनी जो है स्क्रब के काम आएगी हमारे, और इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं 1 टेबल स्पून नींबू का रस लूँगी। नींबू के रस में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो आपके स्किन को क्लीन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इसमें नींबू का रस भी मिला लूँगी। तो अच्छे से आपको इसमें मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है चावल का आटा। तो 1 टेबल स्पून मैं चावल का आटा भी लूँगी, और चावल का आटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये स्क्रब भी कभी अच्छे से काम करता है, और ये जब सूखेगा तो और अच्छे से इसका काम होएगा। हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, सारी डर्ट्स अंदर से खींच लेगा ये चावल का आटा। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये लो जी, हमारा जो है पेस्ट एकदम तैयार है बनकर। अब इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी नोज़ पर, या फिर जहाँ पर भी आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वहाँ पर इसे अप्लाई करें। बट अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक गर्म पानी में टॉवल या फिर कोई भी हैंकी ले लेना है और उसे निचोड़ कर अच्छे से अपनी नोज़ पर रख लेना है। 1 या 2 मिनट तक आपको रखना है, उसके बाद इस पेस्ट को अप्लाई करना है। तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है, या आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा आपको ये अप्लाई करना है जहाँ पर आपके वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हैं। इसे अप्लाई करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट तक इसे छोड़ देना है अप्लाई करने के बाद। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थिक थिक सा इसे लगा रही हूँ। आपको जहाँ पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वहाँ पर इसे लगा लें। मैं अपने नॉर्मल हैंड पे ही आपको करके बता रही हूँ। आप इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें, और उसके बाद आपको इसे रब करना है। तो ये आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट्स मुझे हो चुके हैं अपने हैंड पर ये पेस्ट अप्लाई किए हुए। अब आपको नॉर्मली एक टूथब्रश ले लेना है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके जो ब्रश के जो इसका जो ब्रश है वो सॉफ्ट होना चाहिए काफ़ी। और मैं गुलाब जल की इस तरह से स्प्रे करूँगी गुलाब जल को इस टूथब्रश पर, और उसके बाद इसे सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से अप्लाई करना है अपनी पूरी नोज़ पर जहाँ जहाँ आपकी वाइट हेड्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से आपको ये करना है, ज़्यादा टाइट हाथ से आपको रब नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से आपको सर्कुलर मोशन में इसे अच्छे से अप्लाई करना है। और ये जो रेमेडी है आपको हफ्ते में 2 से 3 बार आपको ज़रूर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर दूसरे दिन तो आप कर सकते, तो आपको सबसे ज़्यादा जल्दी इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। एक बार की अप्लाई में नहीं निकलेगा मैं आपको सही बता रही हूँ, बट आपको एक बारी में इसमें फ़र्क ज़रूर दिखेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ क्योंकि मैंने भी इसे अप्लाई किया है और फिर आपके साथ शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे वॉश कर लिया है। आपको अपनी नोज़ को वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, और मॉइस्चराइज़र नहीं है तो सिंपली कोकोनट ऑयल आपको ईज़िली अपनी नोज़ पर अप्लाई कर लेना है। मैं कोकोनट ऑयल ही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे कोकोनट ऑयल ही अपनी नोज़ पर लगाएं और उसे अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें, और उसके बाद आप अपनी नोज़ पर फ़र्क देखेंगे कि कितना फ़र्क आएगा आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स में। सारी डर्ट्स इसमें से निकल जाएगी, और 2 या 3 टाइम बाद आपको तो पूरा रिज़ल्ट इसका सामने आने वाला है। तो ज़रूर इसे अप्लाई करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी आपके लिए मैं वीडियोज़ लाऊं, और 100 लाइक्स तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ मेरे 100 लाइक्स ज़रूर दे देना इस वीडियो पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।